आइए जे लक्ष्य क्या है जीवन का जीवन का लक्ष्य आइए हम सुनिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं या भगवान राम क्या कहते हैं चलो भारतवर्ष में भगवान राम और कृष्ण की पूजा होती है ब्रह्मा शिव की भी पूजा होती है यहाँ पर तो पूजा की भरमार है कहीं हनुमान जी कहीं गणेश कहीं दुर्गा कहीं काली कहीं सरस्वती हम नदी की पूजा करते पहाड़ की करते हम राक्षस की करते हैं राक्षसों के देवता शुक्राचार्य की करते हैं देवता की तो करते ही करते हैं यहाँ पिती प्रकार की पूजा ही पूजा होती है क्या धन्य है देश यहाँ पर हर चीज की पूजा होती है इसलिए भारत पर कोई शासन नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ घृणा नहीं है एक दैत्य मैं उनकी पूजा करता हूँ यहाँ तक हम खोपड़ी लेके पूजा करते हैं कोई आदमी मर गया खोपड़ी पड़ी हुई है ले आया सजा कर रखा उसी पूजा कर रहे हैं अब बताइए तो इससे अच्छा कोई देश मिलेगा जहाँ पूजा ही पूजा यहाँ तो घृणा होती ही नहीं है यहाँ घृणा करने का सिखाया जाता है पहले ज्ञान घर में कैसे मिलता था जो बेटा बेटी है माता पिता खूब सेवा करते थे शरीर की मालिश करना उनका खाना बनाना उनका कपड़ा धोना ये सब करना ज्ञानी होते थे इसे घर एक साथ होता था फिर जब शादी हो गई बहू आई पति हैं पत्नी हैं, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं तो ये जो सेवा करने की परंपरा थी भारत के गांव में इससे घर जुड़ा हुआ था अब नहीं होती है इससे सब अलग होते जा रहे हैं हम क्या करें कि सेवा कार्य फिर से शुरू हो लक्ष्य क्या है लक्ष्य है सेवा करना सेवा कैसे करें जब तो जाते हैं सेवा करने मां का या पिता का या सासू का या ससुर का या पत्नी का या पति का किसी की कि सेवा करने जाते हैं तो झगड़ा हो जाती है उस समय कोई न कोई बात होता है कि घर में किसी न किसी की निंदा होती है उस निंदा को सुनते सुनते दिमाग गर्म हो जाता है तो सेवा करते समय से एक शर्त है जो आदमी सेवा करे किसी की निंदा न करे किसी को क्रिटिसाइज ना करे किसी को छोटा ना कहे तो इस भाव में होंगे तभी सेवा कर पाएंगे क्योंकि सेवा जो शब्द है इस चीज़ से बना है सा है सा पर ए की मात्रा है और वह है इसमें आ की मात्रा है इस ए को कहते हैं जब आ और ई को मिलाइए तो ए बनता है ये है आ जो लिखते हैं इन आप अक्षरों में आइए ज्ञान भरा हुआ है सा के अंदर घुसिएगा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन एक साल तक इस को हम एक साल तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ज्ञानी है ये चूंकि उत्ती आवश्यकता नहीं इसलिए हम संक्षेप में बता रहे हैं सा त्वास आप इसको डिक्सरी में भी देख सकते हैं मिलेगा सा का श्वास सा का मिलेगा जीवन और सा से कई माने बना लीजिए साथ समता ये सब तो स जीवन है सा श्वास है तो जीवन श्वास कैसे मिलेगा जब आ और ई होगा आ क्या है आ है ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर की शक्ति और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या है निर्माण का विष्णु ज्ञान निर्माण के बाद सुरक्षा का शिव का ज्ञान परिवर्तन का इस तरीके से का मतलब इधर निकटतम ब्रह्मा विष्णु शिव है बाहर खोजेंगे नहीं मिलेंगे अपने अस्तित्व में खोजिए अपने श्वास में खोजिए जिसको श्वास कहते हैं जीवन उसी में खोजिए ब्रह्मा विश्व शिव कहाँ है उसी में ज्ञान है सृजन का ज्ञान सुरक्षा का ज्ञान परिवर्तन का ज्ञान वो कौन सा ज्ञान है वही ज्ञान है जिसको वह कहते हैं वह कौन सी चीज़ हो गई इसमें देखिए गोल आकृति है ये गोल बताता सर्वव्यापकता को यहाँ से ये आदि और यही अंत आदि अंत जब एक हो जाता है तो इसे कहते दूरी की शून्यता देखिए हम यहाँ से चले यहाँ से चले हम ए है ये चलते चलते हम खूब खूब चले कई वर्ष तक यहाँ के पहुंच गए पहुंच गए उसी ए स्थान पर तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हम प्रथम बिंदु अंतिम बिंदु की दूरी मिल गई कहते आदि और अंत एक हो गया इसी को सर्व व्यापकता कहते हैं कि गोल जो सर्किल है बताता है सर्व व्यापकता को हमको चित्र के माध्यम से दर्शाना है तो यही है तो इसको हम चाहते हैं लाइन के रूप में भी दर्शाएं तो सर्वव्यापकता को क्या कहते हैं अनंत तो अनंत को इस तरह से भी दिखाते हैं ऐसा भी दिखाए तो वह क्या है सर्वव्यापकता को ये प्रकट करता है तो जब हम श्वास में एकाग्रता बढ़ाते हैं उसको जीवन के रूप में स्वीकार करते हैं तो पता चला कि श्वास में ही संपूर्ण ज्ञान है सृजन का सुरक्षा का परिवर्तन का और वही ज्ञान सिर से पैर कमी तक तो सब रूपों में फैला हुआ है और उसी ज्ञान को हम वाक्य रूप में प्रकट करते हैं वाक्या है प्रबम्भ का ज्ञान जो सर्वव्यापकता है आदि और अंत से मुक्त है जहाँ पर दूरी है ही नहीं दूरी नहीं तभी तो वह हुआ और इसको फिर से याद देखिए, दूरी नहीं ठीक है लेकिन आपको मत भूलिएगा दूरी नहीं है लेकिन ये आ हमेशा आवश्यक है कैसे हम परब्रह्म को दृश्य जगत के रूप में हम अनुभव करें इससे सृजन सुरक्षा परिवर्तन का ये ज्ञान जरूरी है इसको कहते हैं सेवा जिसको सेवा करते हैं पैर दबाना ही सेवा नहीं है किसी का कपड़ा धुल दिया सेवा नहीं है सब है सेवा आंशिक सेवा है किसी के लिए खाना बना दिया आंशिक सेवा है खाना खिलाया उसकी थाली धुआ आंशिक सेवा है उसके शरीर काम नहीं कर रही आप हाथ पकड़ के ले गए ये भी सेवा है ये सब सेवा आंशिक सेवा कितनी भी सेवा करिए आपको एक मिलियन दस लाख वर्ष व्याध्रित चाहिए उस ज्ञान को पाने के लिए एक वो हम श्याम एक ही परबम सब रूपों में है इसलिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं किसी भी एक प्रॉफिट किसी एक पैगंबर को ले लीजिए उसके ज्ञान को समझ लीजिए सभी पैगंबर ने वही कहा है देखिए अगर हम योगी कथा में पढ़ते हैं तो याद रखिए आप बाइबल का भी ज्ञान इसी में है महाभारत का इसी में है वेदों का इसी में है गुरु नानक देव जी की शिक्षा कबीर साहब की शिक्षा गौतम बुद्धा की शिक्षा महावीर स्वामी की शिक्षा संत रविदास की शिक्षा जीसस क्राइस्ट की शिक्षा मोजेज की शिक्षा अब्राहिम की सब इसी में है इसके शुरुआत में ही आइए हम लोग देखें क्या लिखा हुआ है जैसा आप इसको खोलते हैं लिखा योगी कथा अमृत योगी की कथा अमृत होती है जिसे कहते हैं एन ऑटोबायोग्राफी है।, है कि हम अपना बायोग्राफ लिख रहे हैं हम कौन हैं हम कौन हैं अरे अपने हमने जुड़ा तो पता सब हम तो है ही नहीं यह तो परम हमारे रूप में है क्या मतलब है कि भाई हम योगी हैं योगी का मतलब क्या ये जो योग है योग क्या है दूरी की शून्यता और समय की शून्यता जब दूरी और समय शून्य हो का अनुभूति हो तो योगी है तो योगी इसमें ई की मात्रा है ये क्या है ई की मात्रा ये दो ई से मिलकर के बना है एक ई क्या बताता है इधर बार बार अपने क्या ये, आप कौन हैं जब आप उस सच को जान लेते हैं जो सच दस लाख वर्ष व्याधि समय बिताने पर आ जाता है अपने आप इतने लंबे समय में उसके बाद सच आता है उस सच को जान लेते हैं तो आप योगी हैं तो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को तपस्या भी हो पदि जितने तपस्या करते उनसे योगी श्रेष्ठ है तपस्या क्या है खेत में काम करना है धूप लग रही तब भी हम करेंगे करेंगे नहीं तो अनाज कैसे पैदा होगा लोग खाएंगे कैसे पेड़ों में फल कैसे लगेंगे फल चाहिए अनाज चाहिए से करेंगे काम तो तपस्वी हो गए ज्यादा गर्मी ख्याल नहीं किए जनवरी का महीना है रात में सिंचाई करना है क्योंकि बिजली रात में आई ट्यूबवेल रात में चला या नहर का पानी रात में आया तो रात में सिंचाई करेंगे बहुत कांप रहे हैं कांपते रहिए तपस्या है धूप लग रही है काम करना है खेतों में भाई आप बिना मकान के रह सकते हैं बिना गाड़ी के साइकिल के रह सकते हैं। बिना खाना खाए नहीं रह पाएंगे इसे खेती के काम का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए तो चलेंगे खेती काम करेंगे हम चाहे जाड़ा या गर्मी हो करेंगे ये इस तरह से तपस्या है याद रखिए किसी चोट आ गई हमको भी चोट आई उसको भी आई हमें कम आई उसको ज्यादा आई वो तो चल नहीं पा रहा हम चल पा रहे हैं तो हम उसकी सेवा करेंगे लंगड़ाते लंगड़ाते जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे सेवा करेंगे जरूर इसे याद रखिए जो सेवा है परम लक्ष्य यही है कि इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम चाहे तपस्या करें तब भी कितनी भी तपस्या कर लीजिए जो सेवा का ये रूप है जो आपने समझा है इसको पाने में दस लाख वर्ष ब्याधृत समय चाहिए चलो भाई ठीक हम प्रोफेसर हैं हम पढ़ करके पीएचडी किए पीएचडी करके हम प्रोफेसर हो गए हमारी किताब बेस्ट सेलर है ऑल राइट right. कोई बात नहीं ज्ञानी भी हो मतो अधिका हमारे मन से जिसको ज्ञानी कहते हैं जो प्रोफेसर हैं पीएचडी किए हैं किताब पढ़ करके पूरा याद कर लिए पूरा गीता के हर श्लोक याद है उनको भी दस लाख वर्ष लगेंगे उस सच की अनुभूति को पाने में अंतिम सच क्या है परभम के अलावा कुछ भी नहीं आप ही हमारे भगवान है सच यही है अभी हम नहीं मान रहे हैं यही मानना पड़ेगा आज नहीं कल तो हे अर्जुन योगी श्रेष्ठ है तो पढ़ लिख करके पीएचडी किए हैं जो खूब पढ़ा लेते हैं अच्छे प्रोफेसर हैं अच्छे तनख्वाह पाते हैं तो अच्छा घर भी बना लिए हैं वो श्रेष्ठ नहीं है वो उस ज्ञान को पाने में उनको भी दस लाख वर्ष लगेगा जो योगी को पल भर में मिला है और आगे चली कर्मे को योगी कितना भी कर्म करिए खूब पैसा कमाइए कंबल बांटिए खूब पैसा कमाइए भंडारा करिए खूब पैसा कमाइए सबको शादी करा दीजिए खूब पैसा दीजिए सबको इतना पैसा कमाइए कि जमीन लेकर के जिसके पास जमीन सबको बांट दीजिए तब भी याद रखिएगा दस लाख वर्ष से ही व्याधि रही उस परम ज्ञान को पाने के लिए अच्छा तब क्या करें भाई तस्माद योगी भव अर्जुन इसे हे अर्जुन योगी हो जाइए ठीक है भाई चलो हम लोग भी मान लेते हैं कि हमको योगी होना है भाई तो क्या करें कैसे हों हम समय अनुकूल जान करके महावार बाबा जो अनंत प्रेम करने के सामर्थ्य रखते हैं जो समय के अनुसार करते जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ घर में सबके लिए खाना पूरी सब्जी बनाई है बच्चे को अपना दूध देती है ये है प्रेम का सही प्रतीक जैसे से बच्चा बड़ा होता है उसका खाने क्रम बदलता है मानव के विकास को देख करके शुभ समय देख करके महातार बाबा उस ज्ञान को दिए फिर से जो ज्ञान लुप्त हो गया था लाढ़ी भाशा के माध्यम से वो ज्ञान प्रकट हुआ जिसको क्रियायोग कहते हैं इस क्रियायोग को दे करके मुक्ति का द्वार खोल दिया मुक्ति का द्वार क्या है सेवा है जो क्रियायोग बहुत प्रेम से करता है वही सेवा करना जानता है तो क्रियायोग है क्या आप रोज उसका अभ्यास कर रहे हैं हम होली साइंस का रेफरेंस दे रहे हैं होली साइंस में क्रियायोग को यज्ञ के रूप में लिखा गया है तो ज्ञानता सामिक्री यज्ञ के रूप में क्यों लिखे क्रियायुग क्यों नहीं लिखे जिंदगी भर ज्ञानता सामिकेश्वग क्रियायुग की शिक्षा लाड़ी महाशय से लिए उसी के शिक्षा दिए किताब लिखना हुआ तो यज्ञ लिख दिया क्योंकि वो टेक्निक लक्ष्य को पाने की टेक्निक हम सेवा कर सके वो चैप्टर नंबर तीन प्रोसीजर में है इसमें स्वाध्याय ब्रह्म निधान यज्ञ उन्हें यज्ञ करने के लिए कहा है चूंकि ज्ञानावतार थे वो उनको पता था लोग इसकी व्याख्या कर लेंगे बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है एक भारत में है ना कहाँ जाना है सुरहुरपुर हम लिख रहे हैं न भाई देखिए हम गांव के रहने वाले हैं इसमें हमने सुना है सुरोरपुर जाना है हमें किसी का कहाँ जाना है अरे भाई सु जाना है सु सू। सू क्या होता है सू सु से सुरोहरपुर कहाँ जाना कादीपुर जाना का से कादीपुर कहाँ जाना दिल्ली दस से दिल्ली गद्दी से दिल्ली तैसे याद रखिए ज्ञानातार को पता था कि इसकी व्याख्या कर लेंगे जो सच्चे भक्त होंगे क्रियायुग के उनको हर चीजें आएंगी ये जो यज्ञ है यही क्रियायोग का अभ्यास है ये तपस्वाध्याय ब्रह्म निधान यज्ञ तो तप स्वाध्याय और ब्रह्म निधान जैसे कृपा निधान कृपा के समुद्र ब्रह्म निधान ब्रह्म के समुद्र ब्रह्म क्या होता ज्ञान ज्ञान के समुद्र अपनी हड्डी बना लिया फेफड़ा बना लिया हार्ट बना लिया सब बना लिया मानो बना लिया अपने परिवर्तन भी कर लिया जापान में जाना है तो एक रूप बना लिया जापानियों की तरह वहां बैठे हैं एक रूप बना लिया वहां की तरह अफ्रीका जाना है तो अफ्रीकन की तरह हो जाएगी, तब तो आपको मानेंगे अच्छा तब निधान मतलब निर्माण करने का यानी इतना ज्ञान इतना ज्ञान की आदि अंत जिसे अनंत कहते हैं किसी को भूख लगी है आप इतना ज्ञान पैदा किए कि आपने फल बना लिया आप पानी बना लिए वहां रेगिस्तान पानी नहीं किसी को प्यास लगी आपने पानी बना के पिला भी दिए और पिला करके आवश्यक नहीं था भी हो गई अरे वाह कहते ब्रह्म निधान ब्रह्म का ज्ञान का समुद्र तपस्वाध्याय ऐसा तप ऐसा तप जिसमें पता चले कि हम कौन हैं स्व के बारे में अध्ययन स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन हमको ये पता चला हमको ये पता चला तो क्या पता चला ब्रह्म निधान निर्माण का ज्ञान कौन सा निर्माण का ज्ञान अनंत अपने को बना ले, पेड़ बना ले, जानवर बना ले, जो चाहे वो बना ले, अरे वाह ये समझ में नहीं आता है प्रत्येक रात्रि को आप सपने देखते हैं सपने में जो प्रकट होती चीजें कहाँ से प्रकट हुई आपको ही निर्माण की शक्ति है जो स्वप्न में आप निर्माण कर लेते जगते हैं तो भूल जाते हैं स्वप्न आपने सोचा हिमालय तो हिमालय आ गया आपने सोचा हाथी तो हाथी आ गई आपने सोचा समुद्र तो समुद्र आ गया आपकी आकूत क्षमता स्वप्न में दिखाई पड़ती है इसलिए याद रखिए ब्रह्म निधान निधान का मतलब समुद्र आप ज्ञान के समुद्र हैं ये जब आप अभ्यास करते सिर से पैर के उंगली तक जो अनुभूति होती है सर्वज्ञ तत्व है संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति इस रूप में है यह है तपस्वाध्याय ब्रह्म निधान यज्ञ और क्रियायोग का सूत्र तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग तो क्रिया लिखने का आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि लोग कंफ्यूज होकर के यज्ञ को नरबल पशु बल इस रूप में प्रयोग करने लगे किसी को मार दें मार के जला दे दे हमने हवन कर दिया यज्ञ कर दिया चलिए काली के मंदिर में हम बलि चढ़ाते सेक्रीफाइस यज्ञ है यज्ञ नहीं होता है वो ये यज्ञ का पूरा नाम ही प्रदूषित हो गया जैसे इ को हम रिलीजन कहते हैं अधर्म को हम धर्म कहने लगे धर्म जोड़ता है अगर जो धर्म हम जानते इससे सबसे अलग हो गए तो धर्म नहीं है वो अधर्म है वो ऐसे इ को हम रिलीजन मान बैठे हिंसा को अहिंसा मान बैठे ऐसे जो यज्ञ है यज्ञ जो है उसका मूल रूप हम खत्म ही कर दिए नरबल पशु बल को हमने यज्ञ मान लिया ढेर सारे मेवा फल आदि को हम अग्नि में जला देते यज्ञ कह दिया अरे फल बना खाने के लिए अग्नि में जलाने के लिए तीस तरीके इसलिए महातार बाबा यज्ञ को हटा करके क्रियायोग लिख दिया और ब्रह्म को ब्रह्म को बरम भूत पेशाच ये कहने लगे उसको हटा करके ईश्वर लिख दिया और कहा यही प्राण है यही जीवन है तो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानां क्रियायोग तो इसमें जो यज्ञ लिखा है वो सिर्फ क्रियायोग इसके अलावा कुछ भी नहीं है चलिए भाई समझ में आ गया और क्रियायोग हम लोग करते हैं क्रिया का अभ्यास करिए तो सेवा करने का ज्ञान होगा अभी तो जो भी सेवा करेंगे वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वही तो दूसरे को देंगे एक जंगल में एक शेर था उसके पैर में कांटा चुभ गया था चोट लग गई थी किसी तार से जा रहा था उसे फंस गया और निकल नहीं पा रहा था उसे मर जाता वो एक आदमी गए उसको तार से निकाले निकल गया वो उसको पट्टी उट्टी बांध दिए ठीक हो गया दो तीन दिन, दिन में इतना खुश हुआ वो एक हिरन मार करके लाकर उनके दरवाजे पर रख दिया क्योंकि वो शेर हिरन खाता था अच्छा लगता था सोचा जो हमें अच्छा लगता इनको भी दे दें सुबह देखते ही सुबह कोई हिरन मार करके रखा हुआ है पता चला जो शेर था वही हिरन मार करके रखा है ऐसे हमको सेवा करना आता नहीं हमें जो अच्छा लगता वही आपको देंगे हमें क्या अच्छा लगता है जो अच्छा लगता है उससे बीमार हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं हम डर जाते हैं हम भय से घिरे हुए हैं तो हम आपकी सेवा कर ही नहीं सकते हैं सेवा करने के लिए भी हमें क्रिया ध्यान चाहिए याद रखिएगा जब तक क्रिया ध्यान गहराई में नहीं आएंगे सेवा नहीं कर पाएंगे और पूरी तरह से सच्ची सेवा करने के लिए हमें दस लाख वर्ष चाहिए दस लाख वर्ष व्याधि रहित दस लाख वर्ष को कैसे सिमट करके हम कर दें एक होता ना मैथ में लागरित पता चला कि हमको एक के बाद जीरो जीरो लिखना है चार हजार बार लिखते लिखते एक दो तीन चार हजार लिखते लिखते यहाँ तक आके अब उसको गिने चार हजार जीरो है कि नहीं अरे तब क्या करें हम हम तो छोटे में लिखना चाहते हैं अरे बड़ा आसान है दस किया चलो चार हजार लिख दिया तो कहते लॉग साइंस लॉग मैथमेटिक्स में प्रयोग होता है देखिए पूरी प्रकृति में देखिए पूरा वृक्ष लॉगरिथम का मैथ देखिए पूरा वृक्ष बीज में बदल गया इस तरीके से देखिए इतना आसान है जीवन इतना आसान है स्वयं सुखी रहना औरों को सुखी करना सिर्फ एक चीज अपना लीजिए बस क्रियायोग का अभ्यास कभी मत छोड़िए और किसी की निंदा न करिए अगर कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन मैं सबके हृदय में हूँ तो कोई आपकी निंदा करे करने दीजिए आप ना करिए कोई आपको गाली दे आप मत दीजिए कोई आपको छोटा कहे आप ना कहिए क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको अच्छा चलाना आता है क्योंकि बगल वाला हमारा मित्र चला रहा था उसको चलाना नहीं आता था ड्राइविंग गिरा और पैर टूट गया उसकी मोटरसाइकिल भी टूट गई हम कहेंगे हमारे मित्र ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे यार हमारे मित्र ने हमको गाली दिया तो हम नहीं देंगे गाली जो रास्ता गलत है उस पर कोई चल रहा हम नहीं चलेंगे हम ये सब कैसे होगा कठिन लगता है कठिन नहीं बस क्रियायोग को पकड़ लीजिए खूब इतमान से बहुत मन लगा के करिए हम आपके साथ हम चल रहे हैं बीस मिनट का प्रैक्टिस करने ranayam